खूबसूरत नजारा है। ये सब तो मैंने सब अपनी स्टोरी बुक में ही देखा था। वाओ, मालवीर, वीर तिलक शुरू किया जाए। विवान, बैठो। इतनी बड़ी कुर्सी मेरे लिए? तो विवान, वीर तिलक के लिए तैयार हो? हाँ विवान, तू तो हीरो बन गया। विवान दिखा। ये कैसी मुसीबत में फंस गया डूबा डूबा। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। डायलॉग में सलमान भाई के अलावा किसी और की बोल रहा है।
दादाजी वो क्या है? अरे ये आईना है, इसे दर्पण या शीशा भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मिरर कहते हैं। तुम्हें पता है कि ये शीशा बनता कैसे है? मैं बताता हूँ। पहले तो एक कांच होता है, उसकी एक और सिल्वर या एल्यूमिनियम का पेंट किया जाता है। अरे दादाजी ये सब कुछ बाद में बताइएगा प्लीज, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके आईने में वो डरावनी शक्ल किसकी थी? बेटा बहुत दिनों से आईना साफ नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें अपनी परछाई इसमें गंदी दिखाई दे रही है। अरे कभी कभी तो रात को मैं भी आईने में अपनी परछाई देखकर डर जाता हूँ। अरे दादाजी आप प्लीज 5 मिनट यहाँ पे बैठ सकते हैं? बैठिए ना प्लीज। आप लोग भी बैठिए। बैठ जा। दादाजी मुझे मिरर दीजिए। दादाजी अब मैं सबको दिखाता हूँ। ये कौन है? चिंटू। हैंडसम दिखता हूँ ना? बहुत गंदा। ये कौन है? चिंटी। वाव कितनी अच्छी दिखती है। बहुत गंदी। चलो ये कौन है? गणेश। और ये कौन है? पुष्टि। ये कौन है? खुशी। ओके और ये कौन है? सुतली। यही मौका है निकलने डुबा डुबा। आज नहीं जाएगा तू। नहीं जाएगा। दादाजी देखिए इसे। हाँ ये सब तो सही दिखाई दे रहे हैं। ये खुशी, चिंटू, चिंटी, सुतली। दिल धबड़ धबड़ हो रहा है और दिमाग हबड़ तबड़ हो रहा है। मैं बालवीर तुम्हें पूरे ब्रह्मांड को देखने की और वहां तक जाने की शक्ति देता हूं। मैं बालवीर तुम्हें 10 दिशाओं में देखने की शक्ति देता। मैं बालवीर तुम्हें तुम्हारी 5 इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति देता हूं। मैं बालवीर तुम्हें तुम्हारे शरीर के 5 तत्व भूमि, आकाश, जल, वायु, अग्नि इन सब को जागृत करता हूं। मैं बालवीर आज से तुम्हें भौतिक, आध्यात्मिक, नक्षत्रीय और परलौकिक महाशक्तियां प्रदान करता हूं।
विवान, ये सारी शक्तियां तुम्हें इसलिए दी गई है ताकि तुम दो जिंदगी जी सको, एक विवान बनकर और एक बालवीर बनकर। बालवीर के रूप में तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत। तैयार हो विवान? लेकिन किस चीज के लिए? दिल से बुलाया, बालवीर आया। अरे चिंटू, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मक्खी क्यों है? कहाँ? अरे 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 भाई, अरे इधर भाग, रुको, रुको। अरे अरे बोलो, नहीं सुनो, पकड़न पकड़ाई क्यों खेल रहे हो तुम लोग? यहाँ पे भी नहीं है। ये तीन जादुई सितारे हैं, छोटी मोटी गड़बड़ी से ये तुम्हें बचा कर रखेंगे। वो जादुई सितारे इस छोटी मोटी मुसीबत को दूर भगा रहे। मेरे दिल बहुत तबड़ तबड़ कर रहा है। कुछ ऐसा करो कि पिछले आधे घंटे का ये सब भूल जाए। बुरा विवान, पकड़ो उसे। अरे हम तो दमशराज खेल रहे थे ना? खेल रहे थे नहीं, खेल रहे हैं और हम जीत रहे हैं। हाँ। तुम लल्लू लोग हार रहे हो। चल चल खेल रहे। हाँ चल आजा। अरे ये आईना रख देता हूँ, चलो। बच्चों 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा, हाथ धो के टेबल पे आ जाओ। ओके, ओके। चलो। जय हो जादुई सितारों की। आप मेरे दिल खुशी के मारे तो पट पट कर रहे हैं, सोचे कि नहीं समझे। अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो। ओ मोटरमा, बंद करो, बंद करो इसे। कार लोग का मुंह काला किया तुम लोगों ने। आप भैमार जी क्या बड़ी बड़ी हाक रहे थे? मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। क्या किया आपने? ये देखिए आपके। मैं अधिक काल लोक के योद्धाओं की एक सेना तैयार करूंगा, वीर लोक पे हमला अभी करूंगा। जब एक बालवीर को रोक नहीं पाए हम, तो दो दो बालवीर को क्या खाक रोक पाएंगे? ऐसा भाई नहीं, कालों वाले भी बोलेंगे। अब जो करना है मैं करूंगा। खत्म होगा बालवीर, मेरे और मेरी सेना के हाथों ही खत्म होगा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं।
करने की जरूरत नहीं है, मतलब नन्ही उंगली की कसम, भैरानी ने कोई रास्ता निकाल लिया है क्या? हाँ जुबदाली, तिमनासा ने अपनी साधना से एक अचूक हथियार बनाया है। इस हथियार से दो नहीं 200 बालवीर को भी खत्म कर सकेगी तिमनासा। वीर लोग का एक घंटा यहाँ के एक दिन के बराबर है। कहने को तो मैं 8 घंटे सोया हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं सिर्फ 8 मिनट में उठ गया। ये क्या है? क्या है मतलब? वैक्यूम क्लीनर है और क्या है? इधर आ, अरे इधर आना, ये पकड़, इसे साफ कर, मैं कुकर उतार के आती हूँ। ले ना, पकड़, बहुत देर से चढ़ा हुआ है। वायु कूम क्लीनर, देखे तो ये क्या बला है। तो तुम एकदम पटाख से लेते हो वायु कूम क्लीनर, लेकिन क्या केकी की तरह तुम भी सूंघ सकते हो? दबड़ दबड़ कर रहा है मेरा दिल। बचा, अरे बटन ऑफ करना। बटन? क्या बटन? अरे उसे ऑफ करना। हाँ ठीक है ना? हाँ अब ठीक है, आपने बचा लिया, आपने बचा लिया ना। मुस्कुराओ नहीं, सुनो एक काम क्या बता दिया तुझे, तू तो सुबह सुबह शैतानी करने लग गया। तुझे वैक्यूम क्लीनर का बटन भी ऑफ करना नहीं आता? वो नहीं, नहीं बोलो, नहीं सुनो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ देख, ये है 500 का नोट। हाँ जा और जाके 2 पैकेट दूध लेकर आ, और छुट्टे पैसे बराबर से लेकर आना। क्या? छुट्टे पैसे बराबर से लेकर आना। हाँ जा, जा, जा। तुम दोनों मिलकर अब दुनिया की रक्षा करोगे। मुझे किसी की हिफाजत करने की क्या टेंशन है, जब सीनियर बालवीर पहले से सबकी रक्षा कर रहा है। मैं तो मजे करूंगा और चिंटू चिंडी की फिरकी लूंगा। अब थोड़ा उड़ के देखता हूँ। ये विमान को क्या हुआ? चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, विमान उड़। ये क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है विमान खुशी के मारे उछल रहा है। विमान, विमान, उछल क्यों रहे हो? मैं उछल नहीं रहा हूँ, उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रो, मुझे लगता है मेरे इस बालवीर सूट में ना कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, दूसरा मिलेगा क्या? ये देर लोग है विमान, यहाँ किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं। अभी तुम्हारा सिर्फ वीर तिलक हुआ है, तुम्हें बालवीर की शक्तियां कमानी पड़ेंगी। मैं कुछ समझा नहीं शेर सर। अच्छा विमान, एक बात बता, तुम सलमान भाई के बहुत बड़े फैन हो, हर कोई सलमान भाई जैसा बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पाता, क्यों? क्योंकि सफलता यूं ही नहीं मिलती,
कमाई जाती है। हर पल हर रोज ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, क्योंकि तुम बालवीर तो बनोगे लेकिन बालवीरियत तुम्हें कमानी पड़ेगी। ओ, मतलब अभी मुझे कोई जादू वादू नहीं मिला? नहीं विवान, अभी तुम्हें एक जादू मिलेगा, हिलना मत। इस जादू के साथ अब आएगा मजा। लुप्त गुप्त जादू। लुप्त गुप्त जादू, लेकिन इससे क्या होता है? इससे तुम किसी भी चीज को कहीं पर भी गायब कर सकते हो। वाओ, तो सबसे पहले तो मैं मम्मी की रसोई से करेले गायब कर दूंगा। एक बार चेक करके देख ले इस लुप्त गुप्त जादू में कितनी पावर है। गायब। सिम सिला फू, हो जा गायब फू फू फू। अच्छा पार्टनर, फिरकी ले रहे हो क्या मेरी? मैं जादू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें शक्तियां जरूर मिली हैं विवान, लेकिन उनका इस्तेमाल करना अभी सीखा नहीं है तुमने। तो सिखाइए ना शेर सर। उद्धरे दात्मनात्मानम नमात्मानम वसादेत आत्मै ब्रह्मात्मनो बंधुरा तुम्हें वरी पुरात्मन। हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी। अगर अपने दिमाग को, इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना सीख गए तो हमारा मस्तिष्क हमारा दोस्त वरना दुश्मन। अपनी आंखें बंद करो विवान, अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो। वाओ, फाइनली मेरा मैजिक वर्क किया। मैं अभी अपना सूट वापस लेकर आता हूँ। ये वापस क्यों नहीं आ रहा है? बालवीर की पोशाक अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक है। तुम जब अपने मन को पूरी तरह से शांत करना सीख जाओगे वो पोशाक खुद ब खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। और याद रखना, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ठीक है बालवीर, सीख लूंगा मैं दिमाग को कंट्रोल करना भी और शक्तियां इस्तेमाल करना भी। पर अभी मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं मेरा वो डुप्लीकेट वहां क्या कर रहा होगा। वो बिना घोड़े की रथ, ये तो होते ही है ना पृथ्वी पर। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। अरे पैसे, हाँ ये रहा। अगर
अगर पूरे पैसे घर नहीं लेकर गया तो फिर से डांट खानी पड़ेगी। वैसे भी एक बार वायु कुंभ के चक्कर में डांट खा चुका हूँ, मैं क्या करूँ? डांट खाने से तो अब मुझे सिर्फ जादू ही सितारा ही रोक सकता है। ओ जादू सितारे, ओ जादू सितारे, इन बाजुओं में ताकत भर दी। विवान गाड़ी के नीचे आने वाला है। विवान कार के नीचे नहीं आ रहा, वो कार को उठा के पटक रहा है। तो परियों से डांट खानी पड़ेगी और बालवीर और पूरे वीर लोग से भी। दिल बहुत खतरनाक तबड़ तबड़ कर रहा है, क्या करूं? जादुई सितारा, वो जादुई सितारे इनकी इस घटना की यादें मिटा रहे। दिवाली बहन, क्यों चिल्ला रही हैं आप? मैं चिल्लाई? हे नाना पद्मिनी बहन, वो तो आप चिल्लाई इसलिए मैं चिल्लाई। पहला तो मैं क्यों चिल्लाई? हे हाँ, क्यों चिल्लाई का? पर विवान, हाँ हेलो हेलो पूछे। ए विवान, विवान ऊपर ऊपर विवान, थान थान ऊपर ऊपर विवान, सच्चे सच्चू के जो हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? मुझे कैसे पता होगा? ए हाँ, तुझे कैसे पता होगा? मतलब तू यही था, हम भी यही थे, तू नहीं चिल्लाया तो तुझे पता होगा ना हम दोनों में से पहले कौन चिल्लाया? बता बता। हाँ, बोल बोल। वो आप दोनों एक साथ चिल्लाए थे। हाँ, एक साथ एक साथ एक साथ। वाह, ये मस्त एंट्री है। आप लोग जहाँ भी जाते हो ऐसे ही जाते हो क्या? उड़ के? हाँ विवान, वीर लोक और बालवीर के बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, ये सब राज रखना बहुत जरूरी है और ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या? फिर तो सारा मजा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आपने बोला है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो ठीक है। अब मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, तो मैं घर जाऊं? रुको विवान, सबसे पहले हमें दूसरे विवान को बाहर निकालना होगा, तभी तुम वहां जा पाओगी। फिकर नॉट ब्रो, अब तो मैं बालवीर बन चुका हूँ, पीछे के दरवाजे से घुसूंगा पता भी नहीं चलेगा। चलो मैं चलता हूँ। मस्ती परी, अब विवान के साथ जाइए, वहाँ डूबा डूबा भी होगा, कहीं दोनों एक साथ सामने ना आ जाए। एक साथ चिल्लाए क्यों चिल्लाए होंगे? कोई वजह तो होगी ना? हाँ। मुझे क्या पता? हाँ? विवान, इस सच बताना हो, तूने हमारे साथ कोई जोक्स तो नहीं मारा ना? नहीं, नहीं, मैं तो चीटी भी नहीं मारता, जोक कैसे मारूंगा? मम्मी ने मुझे दूध लेने को कहा था, अगर देर कर दी तो मुझे डांट पड़ सकती है। बर जा जा। बालवीर, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो बालवीर? इस समय मेरा जाना बहुत जरूरी है। विवान का वीर तिलक तो हो गया, लेकिन एक बेटे का फर्ज निभाना भी बाकी है। लेकिन बालवीर, तुम बालपरी को तिमनासा के वश से कैसे बाहर निकालोगे? वो तो पता नहीं कैसे, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं अपनी माँ को वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
रुको, तू पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते आ रहा है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ करके आ रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, अब मस्का भी मार रहा है, मतलब पक्का गड़बड़ है। दूध कहाँ है, छुट्टे पैसे कहाँ है? दूध वो ये कम तो मम्मी ने डुप्लीकेट को दिया होगा, अब मैं कहाँ से दूध लाऊं? चुप नहीं रहो, बोलो भी। छुट्टे पैसे से पलटन को आइसक्रीम खिला दी क्या? नहीं मम्मी रुको, दर्द हो रहा है। बेचारे का दिल कितना दबड़ दबड़ कर रहा होगा, मेरी वजह से डांट पड़ रही है उसे। इतनी शरारतें क्यों करता है तू? और ये इशारेबाजी किसे कर रहा है? किसी को नहीं। मम्मी ये रहा दूध और छुट्टे पैसे भी। मुझे काल लोग के लिए किसी ऐसी जगह से उड़ना होगा जहां से कोई मुझे देख ना सके। बालवीर, काल लोग पे जाने से पहले तिमनासा के बारे में तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। जल्द वीर लोग आओ। ठीक है शौर्य। तू यहां से यहां कैसे आ गया? ऐसे ऐसे। हाँ, इतना खराब जंप मैं कभी नहीं मारता, ये पक्का हम दोनों को पकड़वा देगा। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं ना अभी करुणा जी का ध्यान भटकाती हूँ। तुम जल्दी से जाकर डूबा डूबा की जगह पर आ जाना, ठीक है? तो मम्मी को और भी शक में डाल दिया। मक्खी परी? अरे मक्खी परी नहीं, मस्ती परी। अरे हाँ वही, सस्ती परी, मस्ती परी। हाय राम, मैंने तो गैस ऑफ करी थी, ये कैसे जल गई? जाओ जल्दी। ये क्या हो रहा है? मम्मी अब बोलो नहीं सुनो, एक बात बताओ, आप इतना काम करोगे तो जल्दी तो होगी है ना? अब चलो चलो। अब असली विमान तो आ गए, तो मेरा क्या काम? मुझे वीर लोग जाना चाहिए। आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो, इधर बैठो, आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। बच गए, वरना आज मम्मी तो मेरा कान उखाड़ने ही वाली थी। वैसे पार्टनर की मम्मी पार्टनर के कान खींचती है क्या? वो सुपर हीरो है तो क्या हुआ, मम्मी की डांट तो उनको भी पड़ती होगी ना, नहीं क्या? हाँ, क्या बात है शौरी? विवान का वीर तिलक पूरा होने के बाद मैंने काल लोक में तिमनासा की तलाश की थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहां नहीं मिली मुझे। तो क्या इसका मतलब तिमनासा मर चुकी है? नहीं बालवीर, वो इस वक्त सर्वकाल साधना कर रही है। इस साधना के बाद वो पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। तिमनासा अपनी जगह काल लोक में अपनी परछाई छोड़कर गई है, एक छोटी सी बच्ची के रूप में। हाँ, मैंने देखा था उस बच्ची को। इसका मतलब अगर तिमनासा सर्वकाल यज्ञ में व्यस्त है
तो माँ को काललोक से छुड़ाना आसान होगा। तुम्हारी योजना क्या है बालवीर? इस बार मेरे पास एक अचूक हथियार है। और इस तरह मैं माँ को वापस लेकर आऊंगा। तो फिर जल्दी जाओ बालवीर, और तिमनासा की सर्वकाल साधना पूरी होने से पहले बाल परी को वापस ले आओ। अब काल लोक से माँ को वापस लेकर ही आऊंगा। नन्ही उंगली की कसम, अगर मेरी बहरानी यहाँ होती ना तो हमला करने की किसी की वो नहीं होती हिम्मत। ये भूचाल किसी विशाल शक्ति के आने का अंदेशा है। हाँ कालपनी, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत जल्द काल लोक में एक ऐसी शक्ति आने वाली जो पूरे ब्रह्मांड को हिला कर रख देगी। ब्रह्मांड को हिलाने की बात कर रही थी, खुद ही मोम की तरह पिघल गए। जानो कौन आया? बोले दो, विवान आया। ए, गोपू, मेरी जींस थोड़ा दूर हट के चल, तेरी परछाई से मेरी जींस मैली हो जाएगी। तुझे पता है ये जींस कहाँ से आई है? इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से। रियली? और नहीं तो क्या? ये फ्रॉग देख रहे हो? मेरे पापा ने पता है कहाँ से मंगवाई है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन। लेकिन इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही है ना। चुप कर गोपू, तुझे इंग्लैंड और ब्रिटेन के बारे में पता क्या है? तू और विवान की पलटन कभी भारत नगर से बाहर भी निकले हो? हैं? इन दोनों को तो आइडिया भी नहीं है कि आज मैं कितनी दूर से आया हूँ, और जब आया ही हूँ तो इनकी बैंड भी जरूर बजाऊंगा। शेर सर ने बोला था सांस अंदर सांस बाहर। भैया आपने तो गोपो की बोलती बंद कर दी थी, इतना सा मुंह गया था उसका, इतना सा। लेकिन इसकी बोलती बंद कराने से क्या हुआ? असली बोलती तो विवान की बंद करानी होगी ना। अब चिंटू काफी ना आकड़े, लुप्त गुप्त हो इसके कपड़े। वैसे आज ये विवान कहीं दिख नहीं रहा ना। नजर तो आप भी नहीं आ रहे भैया, कहाँ हो आप? सामने ही तो खड़ा हूँ। सामने कहाँ? अरे यहाँ। यहाँ मतलब कहाँ? ये क्या हो गया? कपड़े गायब करने के चक्कर में ये कौन सा लफड़े में फंस गया विवान? बस जादू को उल्टा कैसे करूं? कैसे लाऊं चिंटू को वापस? और धरती के थरथराने पे
आती है भैरानी। भैरानी की जय हो, भैरानी की जय हो। चुटकुला सुनाओ, बहुत दिन हो गए चुटकुला सुने हो गए। अरे भैरानी चुटकुला तो ये है, 6 फीट का चुटकुला। मार, तुम ही क्यों नहीं सुना देते मुझे कोई चुटकुला? तुम्हें तो वैसे भी बहुत चुटकुले आते हैं। मैं काल लोक का सेनापति हूँ, मस्खरा नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद तुमने मस्खरागिरी तो बहुत की। तुम्हें क्या लगता है कि राजगद्दी को पाना मजाक है? बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे ना तुम, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किया? ना तुम बालवीर को मार सके, ना तुम उत्तराधिकारी का राजतिलक होने से रोक पाए। अब बताओ, ये चुटकुला नहीं था तो क्या था? दरअसल तुम खुद ही चुटकुले बन चुके हो भैमार। अफसोस हंसी वाले नहीं, दर्द वाले। सर्वकाल यज्ञ में छुप के तुम बैठी थी, अगर इस बालवीर का वीर तिलक हुआ है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, और तुम्हारी बनाई हुई है काल परी। मैं आ गया हूं मां, आपको वापस ले जाने। इस नादान की बात का बुरा मत मानिएगा बालपरी। बालपरी नहीं, काल परी। ये नया नाम, ये नई पहचान और ये नया पहनावा बहुत खूब जच रहा है आपके ऊपर काल परी। स्वागत है आपका काल लोक में। काल परी होने के नाते आपका बस एक ही फर्ज है कि बाल परी के बताए हुए नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को खत्म कर देना, फिर चाहे वो बालवीर हो, वीर लोक हो या वहां की परियां, ये पृथ्वी और वो उत्तराधिकारी, इन सबको मारने में तुम्हारा साथ देगा मेरा बनाया हुआ अभेद शक्ति अस्त्र। लोक के पाताल में छुपी है एक ऐसी असीम शक्ति जो बाहर आने के लिए बेताब है। करोड़ों ज्वालामुखी के बराबर इस शक्ति का इस्तेमाल करके मैं इस पूरी दुनिया को भस्म कर दूंगी। जो आसपास बहुत ही बड़ी काली शक्ति होने का आभास हो रहा है, कहीं तुमना सर वापस तो नहीं आ गई? कहो भैया, अब चिंटू को कैसे वापस लाऊं? पहली बार चिंटू के गायब होने में मुझे टेंशन हो रही है। मजाक मत करो भैया, कहो, आवाज तो आ रही है बट नजर नहीं आ रहे हो। फालतू जला तू चिंटू है फालतू, लेकिन वापस आ तू। अरे यही तो हूँ चिंटी, तुम क्यों मजाक कर रही हो? मेरे
ये पानी में चीनी की तरह घुल गए। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए? कहाँ गए आप? अरे चिंडी रोना बंद कर, तेरे सामने ही तो खड़ा हूँ तब से। हाँ अब तो सामने ही हो, पर पहले क्यों नहीं थे? चिंटी, चिंटू, क्या हुआ चिंटी? चिंटू तो यही था कब से। हाँ तुमने दिखाई नहीं दिए। तुमने एक काम करो, तुम गाजर खाना शुरू कर दो। गाजर खाने से ना आंखों की रोशनी एकदम तेज हो जाती है। हाँ भैया चलो गाजर खाने चलते हैं। चल चिंटी। विवान क्या था ये? वो शेर शेर ने बोला था ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वही तो कर रहा था। किसी अच्छे खासे इंसान को गायब करने नहीं बोला था, अगर तुम्हें अभ्यास करना ही है तो हमारे सामने करो, समझे? ठीक है चल। अंदाजा सही था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ से वापस लेकर जरूर जाऊंगा। मेरी सर्वकाल साधना से जन्मी अखंड प्रचंड शक्ति, बाहर आओ और समा जाओ मेरे शस्त्र में। तिम्नास्था को यह सर्वकाल शक्ति हासिल करने से मुझे रोकना होगा, लेकिन उससे पहले तिम्नास्था की वश से मुझे मां को आजाद कराना होगा। जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है उसी तरह यह काली ऊर्जा मां के अंदर समाई काली शक्ति को अपने आप खींच लेगी। कर दो इसे।
माँ आप शायद भूल गई है कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मुझे याद है कि आप मेरी माँ हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको किसी भी बुरी शक्ति की कठपुतली नहीं बनने दूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद सिर्फ अंधकार ही देख पाएगा तू। भैमार, अपनी जुबान नहीं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, खत्म कर दो इस लड़के को। मैं मां पर हमला करने नहीं बल्कि उनकी बुरी शक्तियां निकालने आया। नन्ही उंगली की कसम, इसकी तो वो शुरू हो गई उल्टी गिनती। पांच, चार। एक तरफ माँ को बचा कर ले जाना है और दूसरी तरफ तिमनासा के उस अभेद यंत्र को भी नष्ट करना है। अब वक्त आ गया है अपनी योजना से काम लेने का। तीन। हाँ, बड़े सही टाइम पर आया है। आ जा, ये ले, ये पी। ये क्या है? नीम करेले का जूस है। नीम करेले का? लेकिन ये मुझे क्यों पिला रहे हो? मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैंने ना पेपर में पढ़ा था आज कि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, उससे बच्चों की सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए तेरे लिए ये बनाया है। इससे ना तेरा खून भी साफ हो जाएगा और तेरी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मम्मी, पोल्यूशन से बचने के लिए तो पेड़ लगाने चाहिए, पर अब तो मेरे पेट में ये जंगल उगाना चाहती। अरे बोलो नहीं सुनो और चुपचाप पियो इसे। चल पी, मैं आ रही हूँ अभी। ठीक है। ये जूस तो मैं कभी नहीं पी सकता। बहुत कड़वा था, अब खुश? होशियारी मत कर विवान, इतनी सी देर में तू दूध नहीं पी सकता तो नीम करेले का जूस कैसे पी गया? सब समझती हूं मैं, ये ले दूसरा ग्लास, अब इसे पी। मम्मी तो जूस पिलाकर ही मानेगी, अब क्या करूं? अरे क्या सोच रहा है, पी ना। हम पी रहा हूं। हाँ शाबाश। देख रही हूं मैं। हाँ पी रहा हूं। क्यों ना लुपकुप जादू का इस्तेमाल करके मम्मी के दिमाग से जूस पिलाने का आइडिया ही गायब कर दो। आइडिया के साथ मम्मी का सर भी गायब कर दिया मैंने तो। मम्मी आप
ठीक तो ना? मुझे क्या होगा, बात को घुमाने की कोशिश मत कर विवान, चल जूस पी। ना पी रहा हूँ। थैंक यू भगवान जी, मम्मी का सर सही सलामत है। विवान अब तो तू चाहे हनुमान चालीसा पढ़ ले, तुझे तो ये पीना ही पड़ेगा। हाँ लुक गुप, गलती हुई पर कर दो वापस मम्मी का सर। मेरा सर मत गरम कर विवान, पी से। सर ही तो नहीं है आपका। क्या? कुछ नहीं, परियों को बुलाकर लाता हूँ, वही ठीक कर सकती है ये। सर में तो आंखें भी फिट होती है, हो सकता है मम्मी देख ही ना पाए। आप ही को ढूंढ रहा था, कहाँ थी आप? क्यों ढूंढ रहा था? अरे हाँ, ये देखिए कैसा लग रहा मैं। अरे वाह कानून जी, आप तो बहुत ही अच्छे लच्छी लग रहे हैं, ऐसा हम बोलने ही वाले थे। पर क्या है ना, हमें झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता है। मतलब? वो मतलब है कि हमें ना मूंछ वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चेहरा ऐसा लगता है ना कि गुड़ के ऊपर मक्खी। गुड़ के ऊपर मक्खी? अरे नहीं 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 कानू जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे लग रहे हैं। शेर की भी मूंछें होती है, शानदार होती है मूंछें। सुनिए, शान नहीं, निशानी होती है बुढ़ापे की। मुझे तो लगता है आप बुढ़े हो चुके हो। गिर पड़ी जी, है ना? बुढ़ा माता रा तो रहे हो। चलो मेघा, अरे चलो, अरे भागो नहीं, रुको। अरे मम्मी को सब दिखाई दे रहा है। चुपचाप जूस पियो। अरे क्या हुआ बहू बेटा, विवान इतनी ऊंची ऊंची तान क्यों छेड़ रहा है? अगर दादाजी ने मेरा ये वाला कारनामा देख लिया तो मेरा बैंड तो बाद में बजेगा, दादाजी का क्या होगा पता नहीं। अरे इधर उधर क्या देख रहा है? अरे वाह विवान, बिन बारिश छाता, वो भी घर के अंदर। अरे पापा जी, अभी तो ये जूस ना पीने के लिए नाटक कर रहा है। वो बारिश आ रही थी, मेरा मतलब आने वाली है। हाँ वैसे मैंने न्यूज में सुन रहा था अगले 24 घंटे में बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ वैसे ही था। वाह 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 बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट चुकी है दादाजी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये छतरी टूटी हुई है, तो अब बाद में इसे रिपेयर करवा के ले आइएगा ना। अरे बोलो नहीं सुनो, कहाँ टूटी है छतरी, दिखा। नहीं मैं लेकिन बंद मत कर ना प्लीज। अरे बंद मत कर। अरे ठीक ठीक तो है, बंद मत कर लवली। अरे छोड़ो, नहीं बंद मत कर लवली। अरे छोड़ इसे विवान। गई भैंस पानी में। हे भगवान, 11:30 बज गए। देर हो गई, मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अरे विवान अपनी मम्मी को परेशान मत करना। हाँ दादाजी, नहीं करूंगा। चलो फटली, चाहे जो हो जाए तुझे जूस तो पीना ही पड़ेगा।
पी इसे। आ मम्मी, मेरे खाने को खिलौने की चाबी नहीं है। पी ना, फिर ये ले। पी रहा हूँ। पी, देख क्या रहा है? करुणा जी, क्या आप घर पे हैं? हाँ हाँ पद्मिनी जी, आइए आइए। मेरे घर में मैं नहीं मिलूंगी तो कौन मिलेगा? हे भगवान, अब कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी? दादाजी घर तो पद्मिनी आंटी आ गई, अब मैं क्या करूं? काश मस्ती परी और वायु परी मेरे साथ होते। दादाजी। हाँ बोलो। दादाजी, आपने विवान को देखा है? क्या बात कर रही हो, बिल्कुल देखा है। जब जब वो मेरे सामने आया है तब तब मैंने उसे देखा है, क्योंकि देखने के मामले में मेरी आंखें बहुत ही तेज हैं। पूछो कैसे? पूछ लिया तो यही खड़े खड़े रात हो जाएगी। वो हम बाद में पूछते हैं, अभी हमें। बाद में क्यों? किसी महान ज्ञानी ने कहा है, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। अरे कहां चली गई सब? चलो मैं मंदिर जाता हूँ। भारत नगर में टाइम से नल में पानी नहीं आता तो परियां कहां से आएगी? अब मुझे कुछ तरकीब लगानी होगी। अरे विवान, आधा ग्लास जूस पीने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, पूरा पीना पड़ेगा। विवान कहां जा रहे? तू क्या कर रहा है? ये क्या है विवान? वो बारिश आने वाली ना, इसलिए ये बेडशीट करके अंदर ही सुखा रहा। अरे करुणा जी, ये देखिए मैं पेड़े लाई हूँ आपके लिए। एक अच्छी खबर है, मुझे ना फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अरे वाह, बधाई हो पद्मिनी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ गई आप? और ये चादर क्यों बीच में सुखाई है? अरे ये मैंने नहीं, विवान ने सुखाई है। विवान, अरे वैसे काम कब से शुरू हो रहा है तुम्हारा? अरे काम तो मेरा आज से शुरू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ना लुक्का छुपी खेल रहे हैं। मुंह खोलिए ना, मुझे आपको पेड़ा खिलाना है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ जिताती हूँ। संभल के, संभल के। विमान, हाँ गिर गए। आप फिसल जाएंगे और आपको चोट लगेगी। एक काम कीजिए, ये पेड़े मुझे दे दीजिए, मैं मम्मी को खिला दूंगा, आप चिंता मत करो। अरे ओ पद्मिनी बहन, अरे कमाल से मुझे पेड़े नहीं खिलाओगी? खाने हैं पेड़े आपके मम्मी से। अरे पद्मिनी, मम्मी रुको, उनका पहला देना। आपको नई नौकरी से लगी है ने? पेड़े भी खिलाऊंगी और चाय भी पिलाऊंगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए करुणा जी, हम आते हैं। आप मुझे करेले का जूस पिलाओ ना, आधा ग्लास बाकी है, मेरी सेहत का क्या होगा? आप अरे लेके अब इधर आओ, अब बैठो आराम, और ये पेड़े खाओ। और तब तक मैं जूस भी पी लेता हूँ और वो पानी भी साफ करता हूँ। हाँ हाँ पी ले। बालवीर ब्रो, कहाँ हो तुम?